NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। NLP इसका मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और एक साइंस है। ये साइंस है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसके बारे में मतलब क्या है? न्यूरो इसका मतलब है ब्रेन, नर्वस सिस्टम। और हमारा जो ब्रेन है तो उसमें क्या है, उसमें माइंड है, वो अलग तरह से काम करता है। उसमें नर्वस सिस्टम है, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऐसे सब सिस्टम है। और उसको 5 सेंसेस है, वहाँ से वो इनपुट लेता है और काम करता है ब्रेन। और एक तरह से वो पैटर्न्स में काम करता है। तो ब्रेन और ब्रेन का लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। तो हमारे भाषा से, हम जो भाषा बोली भाषा बोलते हैं, तो वो भाषा से हमारे ब्रेन का प्रोग्रामिंग करना। भाषा कौन सी? भाषा हम बोली भाषा जो बोलते हैं वो बोली भाषा बोलते हैं, वो मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, संवाद करते हैं वो संवाद। और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बिना संवाद की जो भाषा है वो कौन सी है? वो हमारी हलचल है, हमारे हाथ पैर, हमारा बैठने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, चेहरे के हाव भाव। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो महत्व का है। तो ब्रेन के ऊपर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से प्रोग्रामिंग करना। प्रोग्रामिंग के मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग मतलब ऐसा होता है कि एक के पीछे एक, ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ऐसे एक के पीछे कुछ एक्शन लेना जिससे कि अपना गोल हम अचीव कर सकेंगे, पा सकेंगे। प्रोग्रामिंग मतलब एक के पीछे एक एक्शंस लेना, सीक्वेंशियल एक्शंस, एक के पीछे एक सीक्वेंस में एक्शंस लेना जिससे कि हमारा हम गोल पा सकेंगे। तो न्यूरो मतलब ब्रेन का प्रोग्रामिंग करना भाषा से, बोली भाषा से या पॉस्चर से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब इसका फायदा क्या है? तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बहुत सारे फायदे हैं। उससे हम हमारी मानसिक अवस्था जो है वो एक अच्छे लेवल पे ला सकते हैं। करंट कंडीशन जो है उसको हम अच्छे तरह से अच्छे हायर लेवल पे ला सकते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम अच्छा काम कर सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में हम डेवलपमेंट ला सकते हैं, नई संभावना देख सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं साइकोलॉजिकल, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। किसको मेमोरी के प्रॉब्लम होते हैं, मेमोरी प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं, भुलक्कड़पना है। किसको फोबिया है, बहुत डर है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, पढ़ने की इच्छा नहीं है। किसको कुछ बार बार विचार आते हैं, तो ऐसे अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अभी हमको देखना है कि भाई जब हम हमको ये देखना है कि जब हम ब्रेन बोलते हैं तो ब्रेन में माइंड है। और एक्चुअली ब्रेन का प्रोग्रामिंग मतलब माइंड का प्रोग्रामिंग है। तो माइंड में साइकोलॉजी में 3 इसमें डिवाइड किया जाता है, एक है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। NLP के लिए हम कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ऐसे दो ही बोलते हैं, और अनकॉन्शियस में सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ऐसे दो है। फिर से बोलता हूँ, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फॉर NLP पॉइंट ऑफ व्यू, NLP के तरफ से देखना है। तो भी कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस माइंड इसका मतलब अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी जो मेरा अवेयरनेस जो है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, प्रेजेंट में प्रेजेंट हूँ, वर्तमान में मौजूद हूँ, अभी बातचीत कर रहा हूँ, तो अभी जो भी मैं कर रहा हूँ राइट नाउ इन दिस मोमेंट, उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये कलेक्शन है हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे मेमोरी का, हमारी मेंटल स्टेट, हमारी फिजिकल स्टेट, इसका जो कलेक्शन है पूरा दिमाग में, उसको बोलते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड, जो ब्रेन में है, और कॉन्शियस भी ब्रेन में है। तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में कलेक्शन है हमारे थॉट्स मतलब विचार, इमोशंस मतलब भावनाएं, मेमोरीज मतलब याददाश्त, मेंटल स्टेट मतलब मानसिक अवस्था, फिजिकल स्टेट मतलब शारीरिक अवस्था। ये 5 चीज़ों का जो रिप्रेजेंटेशन है, मौजूद जो है 5 चीज़ें अंदर, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। देखिए कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को हमको देखना है तो एक घोड़ा और घोड़ सवार, वो हम कंसेप्ट देखते तो अपने को और समझ में आएगा। देखो घोड़ा जो है उसको बोलते हैं हॉर्स पावर, बहुत ताकतवर रहता है, उसके पास में बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है, तो घोड़ा बोले तो सबकॉन्शियस माइंड। मगर घोड़ सवार जो है उसके ऊपर जो बैठा हुआ है उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, घोड़सवार को कॉन्शियस माइंड बोल सकते। घोड़सवार क्या करता है? घोड़सवार के पास में ताकत कम है मगर वो घोड़े को चलाता है, अपने बुद्धि से, अपने आदेश से, कमांड से घोड़े को चलाता है, घोड़े को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देता, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अनलेस घोड़ा बहुत ट्रेंड है तो घोड़ा इंडिपेंडेंटली खुद होके काम नहीं करेगा,
घोड़सवार जो उसको काम उससे काम करवाता है। रेस में घोड़सवार घोड़े को कहाँ चलाना कहाँ भगाना वो घोड़सवार देखता है, जॉकी। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो घोड़सवार जैसा है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेगा, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को चला सकता है। ताकत है सबकॉन्शियस माइंड के पास में, मगर चलाएंगा कौन? कॉन्शियस माइंड। जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारा बर्ताव करने का तरीका है, जो भी हमारा विचार, जो भी हमारी विचारधारा है, इमोशंस है, अलग अलग स्टेट्स है, मेमोरी है, सब कहाँ है? सब सबकॉन्शियस माइंड में है। अव्यक्त मन जिसको हम बोलते हैं, अंतर्मन, अव्यक्त मन, सबकॉन्शियस माइंड इसमें है। कॉन्शियस माइंड जो है वो अभी राइट नाउ मौजूद है, जो अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी जो बातचीत कर रहा हूँ वो कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ। तो ऐसे दो पार्ट है, और एनएलपी के लिए हम दो पार्ट हम समझ लेते हैं तो आगे एनएलपी समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।